हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ट्रेंडिंग और यूनिक करवा चौथ स्पेशल ब्लाउज की डिज़ाइन, जिसे पहन के आप बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। तो ये है ये ब्लाउज की डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बताऊंगी, जिसे आप तुरंत बना लेंगे। और करवा चौथ फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देखिए, जो ब्लाउज मैंने तैयार किया है कुछ इस तरह से है। ये स्क्वायर नेक में है ये ब्लाउज, जिसे पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही ट्रेंडिंग आता है, जैसा कि मैंने पिक में ऐड किया है, उसे आप देख सकते हैं। और फ्रंट से मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है और बैक से ये डिजाइन दिया है मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद ये डिजाइन। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें करवा चौथ के लिए। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आया है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग। तो जो भी आपका नाप है उसके हिसाब से आप फैब्रिक को ले लें और उसी के हिसाब से आप लाइनिंग का फैब्रिक बराबर में ले लें। और ये 38 नंबर की ब्लाउज है, जिसकी लेंथ हम 16 इंच रखेंगे और 9.5 इंच पे हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। उसके बाद 6 इंच पे इसका हम तीरा रख लेंगे और 6 इंच ही हम आर्म होल रख लेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और ये बैक का नेक है, इस तरह से देखिए। फ्रंट वाला सिंपल है, तो इसलिए मैं फ्रंट का नेक नहीं बता रही हूँ आपको। फ्रंट का जो पार्ट है उसकी कटिंग और स्टिचिंग में नहीं बताऊँगी, ये बैक का है। तो बैक में बिल्कुल सिंपल आपको बनाना है ये ब्लाउज स्क्वायर नेक में। और ये हम कटिंग इसकी कर लेंगे, इस तरह से देखिए। उसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को डाल देंगे और एक सिलाई लगा लेंगे नीचे की ओर से। इसके बाद इसे हम पलट देंगे और लाइनिंग के ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम पूरे में एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा जो दोनों फैब्रिक है वो अच्छे से एक दूसरे से सेट हो जाए। गला को जो लंबाई और चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप पहनने में कंफर्टेबल है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही यूनिक लुक इसका आ रहा था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा करवा चौथ के लिए, या कोई भी फेस्टिवल में आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद हम पेस्टिंग पे लाइनिंग के फैब्रिक को प्रेस से चिपका लेंगे। और पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे, उसके बाद हम उल्टा करके जो हमारा ब्लाउज है उसको रख लेंगे और उसके बाद हम उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी दूर पे इसकी कटिंग पूरे में लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी कट। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे लग रहा है उसे मैं कट करके हटा दूंगी। उसके बाद हम पेस्टिंग को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए भी एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स ये नेक बनाने का। नेक बनाने का बहुत सारे तरीके मेरे चैनल पे अपलोड है, तो उसे अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पेस्टिंग के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, ताकि जो हमारा नेक है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए, इस तरह से हमारा नेक तैयार हो गया है। उसके बाद अब इसमें हम जो फ्लावर ऊपर से ऐड करेंगे उसको बनाना आपको दिखाऊंगी। तो हम पहले अच्छे से दोनों फैब्रिक को सेट कर लेंगे और पिनअप कर लेंगे और देख लेंगे कि नेक की चौड़ाई, जितना हमने 2.5 इंच लिया है तो टोटल 5 इंच हो गया डबल में। उसके बाद हम 1-1 इंच दोनों तरफ से ले लेंगे, तो टोटल हम 7 इंच के डबल फैब्रिक ले लेंगे, देखिए इस तरह से। और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने चौड़ाई भी इसकी 7 इंच ही रखा है, तो चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों साइड से इसे बंद कर देंगे, एक साइड तो हमारा बंद है ही, और मतलब तीनों साइड से आपका बंद होना चाहिए, एक साइड से ओपन रखें।
और इस तरह से अच्छे से इस पे प्रेस लगा करके सेट कर दें। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे कोई भी नुकसान नहीं है। जब हम इसकी ब्लाउज रखेंगे उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बीच में मैंने इस तरह से एक निशान लगा दिया है, उसके बाद उसमें धागा डाल करके और इस तरह से टाके लगाना है आपको, देखिए, और इसको खींच देना है, ये देखिए, और दो तीन बार इसी तरह से आपको इसे बांध देना है। देखिए हमारा ये जो बो है वो तैयार हो गया है। उसके बाद हम ऊपर से भी इसमें थोड़ा सा फैब्रिक लगा करके इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा धागा है वो ना दिखे। और बो की डिज़ाइन मेरे चैनल पे अपलोड है फ्रेम, तो आप उसे देख सकते हैं, अलग से मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो इस तरह से देखिए हमारा बो भी तैयार हो गया है। उसके बाद हम ब्लाउज को रखेंगे, उसके अंदर से इस बो को रख देंगे, दोनों तरफ से इसी तरह से हम रखना है। उसके बाद हम उसके ऊपर से पिन अप करेंगे, पिन हमने लगा दिया है सेट करके, उसके बाद उस पर से हम अब सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं ब्लाउज का फाइनल लुक। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।